आज यहाँ पर पिछले 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के द्वारा एक जो अग्निवीर जो भर्ती रैली है उन बच्चों के लिए यहाँ पे निशुल्क खाने की रहने की व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है। पिछले 3-4-5 दिनों के अंदर हजारों लड़के हमारे इस जो अरेंजमेंट हम लोगों ने यहाँ पर किया है वहाँ पर पहुँचे हैं और पहली बार हम लोग भी इस आयोजन को कर रहे हैं, लेकिन बहुत गर्व की अनुभूति हमें महसूस हो रही है कि कोटद्वार के अंदर जो ये भर्ती रैली हो रही है, अग्निवीर भर्ती रैली हो रही है, उसमें हम कुछ सहयोग बाहर से आए हुए बच्चों का कर पा रहे हैं। बहुत दूर दूर से बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चमोली से और सीमांत गाँव से जो बच्चे यहाँ पर बड़ी परेशानियों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने एक प्रण किया है कि जो भी बच्चा यहाँ पर पहुँचता है वो भूख के कारण और रात को जगह न मिलने के कारण उसको ऐसी कोई दिक्कत न हो, उसके लिए हमने क्या यहाँ पर ये किया है। विक्टोरिया क्रॉस गब्बर जो ये चौराहा है यहाँ पर ये बिल्डिंग है जहाँ पर कि कम से कम 6-7 बड़े बड़े हॉलों में हम लोगों ने रहने की व्यवस्था की है और खाने की व्यवस्था की है। जहाँ तक रही खाने की बात तो सुबह 8 बजे से और 4 बजे तक बच्चे आ रहे हैं, अपना भोजन करके जा रहे हैं, जिन बच्चों को यहाँ पे आराम करना वो आराम भी कर रहे हैं, और उसके बाद ठीक 6 बजे के बाद उन बच्चों के भोजन की यहाँ पर व्यवस्था है। उसके बाद रहने की व्यवस्था यहाँ पर हम लोगों ने की हुई है। इसके अलावा कुछ बच्चे रास्ते भटक जा रहे हैं, कुछ लोगों के जो नंबर हमारे पास हैं वो हमें फ़ोन कर रहे हैं, तो उन लोगों को लाने और ले जाने की भी व्यवस्था हम लोगों ने उनको दी हुई है। चाहे जैसे झंडा चौक में या बस अड्डे में भी कुछ बच्चे आ जा रहे हैं तो उन लोगों को लाने के लिए हम लोग अपनी गाड़ियों से उन लोगों को यहाँ पर ला रहे हैं। बारिश अभी कुछ दिन पहले बारिश बहुत हुई थी, उस दिन बच्चे बहुत परेशान थे। कम से कम उस दिन 1,500 बच्चों को रात्रि विश्राम हम लोगों ने अपने इस स्थान पर करवाया था और भोजन का भी वहाँ पर हम लोगों ने व्यवस्था करवाई थी। आपके चैनल के माध्यम से इतना निवेदन हम लोग करना चाह रहे हैं कि जो बच्चे आपके इस चैनल को देख रहे हैं या जिन्होंने देखा है वो जरूर आगे इसको फैलाएं कि रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं होगी उन बच्चों को, एक बार हम तक यहाँ पर पहुँच जाएँ। दूसरा, मैं जो ये आयोजन हम लोग कर रहे हैं पहली बार हमने एक प्रयास किया कि एक सामूहिक, क्योंकि बहुत लोगों के मन में होता है कि इन बच्चों की सेवा हम लोग कर सकें, जो बच्चे दूर दराज से आ रहे हैं उनकी मदद हम लोग कैसे करें, तो हम लोगों ने एक प्रयास किया है। जैसे अभी तक हम लोग दाल चावल पूरी वगैरह कर रहे थे, लेकिन कुछ बच्चों को रात्रि में दिक्कत हो रही है, चावल नहीं खा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हमने एक सुविधा और करी कि रोटी वगैरह की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने अपनी कीर्तन मंडलियाँ, कोटद्वार से तमाम कीर्तन मंडलियों से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग भी इस आयोजन में हमारे साथ शामिल हो जाए। और आज के बाद वो लोग कीर्तन मंडली यहाँ पे आ रही हैं, रोटियाँ बना रही, सामूहिक रूप से रोटियाँ बना रही, एक बहुत अच्छा सा एक माहौल बना हुआ है। और कोटद्वार में जब बच्चा आ रहा है तो उसको जरूर अच्छा लगेगा, जितने भी बच्चे यहाँ पे हमारे बीच में आ रहे हैं तो खूब कह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो हम लोग उनसे इतना निवेदन करें कि बच्चों जब तुम यहाँ से जा रहे हो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप लोग भर्ती हो जाएँ तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती, और जब आप जाओगे यहाँ से तो ज़रूर प्रचार इस चीज़ का जरूर कीजिएगा कि अपने और दोस्तों को भी यहाँ पे भेजिएगा, क्योंकि किसी भी बच्चे को रहने और खाने की कोई समस्या नहीं।
आज जो कोटद्वार में अग्निवीर की भर्ती हो रही है उसमें युवा मोर्चे के द्वारा जो लोगों बच्चों को जो है भोजन आदि कराया जा रहा है निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। और भारतीय जनता पार्टी की यह संस्कृति है कि वो ग्रास रूट से काम करता है, जनता की सेवा करता है और राष्ट्र सेवा में क्या समर्पण हो सकता है इसके बारे में ज़्यादा चिंतन करता है। इसलिए मैं सभी युवा मोर्चे के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, आज हम हंस फाउंडेशन की तरफ से अपने देश के वीर जवानों के लिए जो कि अग्निवीर की भर्ती के लिए आए हैं 21 तारीख अगस्त से ये फ्री खाने का शिविर शुरू कर रहे हैं। माता मंगला जी और श्री भोले जी महाराज जी की तरफ से ये निःशुल्क खाने की सेवा हम लोग इन बच्चों को देना चाहते हैं जिनको कि अभी भर्ती के लिए जाना है और इन लोग को कोई तकलीफ़ ना हो, इनको मुफ्त खाना पौष्टिक आहार मिले जिसमें कि हम पूरी सब्जी और पानी, साफ पानी, मिठाई और फ्रूट्स का वितरण कर रहे हैं जो कि बिल्कुल निःशुल्क है ताकि बच्चों को एक बैलेंस डाइट, अच्छा खाना मिल सके और बच्चे एक स्फूर्ति से अपनी रेस को पूरा कर सकें और जो भी इनकी ज़रूरतें हैं वो हम जितना भी हो सके निःशुल्क अपनी तरफ से पूरी करना चाहते हैं।